हिंदी सिनेमा का जाने माना नाम और जिन्होंने रामानंद सागर के पौराणिक शो रामायण में सीता का किरदार निभाया था वो कोई और नहीं दीपिका चौकलिया है। इस शो की वजह से दीपिका चौकलिया को घर घर में जाना जाने लगा था। साथ ही इस शो के जरिए एक्ट्रेस को पॉपुलैरिटी भी काफी मिली। इस शो के जरिए दीपिका को असल जिंदगी में भी पूजा जाने लगा। लोगों को उन्हें रील कैरेक्टर में ही देखना अच्छा लगने लगा। ऐसे में उन्हें किसी और अवतार में देखना किसी को नहीं भाया। यही वजह है रामायण के बाद दीपिका को किसी और शो या फिल्म से पॉपुलैरिटी नहीं मिली। वहीं अपने करियर में एक फिल्म के चलते एक्ट्रेस को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। कुछ साल पहले दीपिका ने फिल्म गालिब में आतंकवादी की पत्नी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस आतंकवादी अफजल गुरु की पत्नी और गालिब की माँ बनी थी। वहीं रामायण की सीता को आतंकवाद की पत्नी बनता देख फैंस को नहीं भाया, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। ये ऐसा पहली बार नहीं जब दीपिका को आलोचना झेलनी पड़ी। एक बार और शॉर्ट ड्रेस और वाइन का ग्लास हाथ में लिए जब दीपिका को देखा गया, जब भी उनके फैंस ने उन्हें ट्रोल किया था। उसका एक बड़ा कारण ये भी था, दीपिका के फैंस उन्हें सीता के रूप में ही देखना चाहते थे। यही कारण है कि उनका वेस्टर्न लुक आज तक किसी को हजम नहीं हुआ। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका चौकलिया ने अब तक सुन मेरी लैला, विक्रम बेताल, भगवान दादा, घर संसार, इंद्रजीत, घर का चिराग जैसी कई हिंदी और साउथ में काम किया है। इस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली दीपिका को लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वहीं आज दीपिका का जन्मदिन है, आप उन्हें कैसे विश करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल बॉलीवुड से जुड़ी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं प्रज्ञा शर्मा पंजाब केसरी डेली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।